वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली हुआवे ने नोवा 3i स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये फोन काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया गया है, 20,990 रुपीज। और इस फोन का जो सीधा कंपटीशन होने वाला है वो है शाओमी के मी A2 स्मार्टफोन से। और आप में से बहुत सारे लोग हुआवे नोवा 3i फोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये फोन कैसा है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्या है इस फोन के इम्पोर्टेंट फीचर्स और क्या हो सकते हैं इस फोन के कॉन्स। फिर इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहें और वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही आपको बगल में बेल आइकॉन भी मिल जाएगा, इसे प्रेस कर लीजिए तो आपको हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। तो यहाँ पर इस फोन में हमें फ्रंट और बैक में ग्लास देखने को मिल जाता है, बीच में हमें एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट कमाल की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन हमें इस फोन से देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो अगर आप नॉच के फैन हो तो आपको डेफिनेटली इस फोन का डिस्प्ले पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक छोटा सा नॉच देखने को मिल जाता है जो इस फोन के डिस्प्ले की खूबसूरती और भी ज़्यादा अच्छा बना देती है। और साथ में जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो हमें 19.5:9 का देखने को मिल जाता है। इस फोन की जो स्क्रीन साइज है वो है 6.3 इंच की और साथ में फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले भी यहाँ पे बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है और साथ में जो बेजल है टॉप साइड और बॉटम पे वो बहुत ही कम देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं रैम और स्टोरेज की। तो इस फोन का हमें एक ही वेरियंट देखने को मिलेगा, 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज और साथ में हाइब्रिड सिम स्लॉट भी दिया गया है। परफॉर्मेंस की ओर रुख करेंगे तो यहाँ पर फाइनली हुआवे ने किरिन 710 न्यू प्रोसेसर आ चुका है जो बना है 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर और ये प्रोसेसर लगाया गया है इस फोन के अंदर। अब ये प्रोसेसर को आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर से कंपेयर कर सकते हैं, ये इसी लेवल का प्रोसेसर है। और साथ में GPU मिलता है माली G51 और बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इस फोन में GPU टर्बो टेक्नोलॉजी फीचर्स का यूज किया गया है। तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ऑन पेपर जितनी परफॉर्मेंस आपको Xiaomi Mi A2 से मिलेगी उतनी ही परफॉर्मेंस आपको इस फोन से देखने को मिल जाएगी। कैमरा की बात करें तो इस फोन में आपको 4 कैमरास मिलते हैं। रियर में हमें मिलता है ड्यूअल कैमरा का सेटअप 16+2 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा दिया गया है 24+2 मेगापिक्सल का। अब ये 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस है वो काम आता है डेप्थ मेजर करने के लिए। अब ऑन पेपर देखा जाए तो फ्रंट कैमरा बेटर लगता है नोवा 3i का। एंड्रॉयड वर्जन और UI की बात करें तो इस फोन में हमें एंड्रॉयड 8.1 ओरियो देखने को मिलता है और ये EMUI 8.2 पर रन करता है। अब हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की। तो इस फोन में हमें 3340 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन सैडली फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वैसे ये फोन दिखने में काफी प्रीमियम और अट्रैक्टिव है, लेकिन इस फोन में 3 बहुत बड़े कॉन्स हैं। सबसे पहले कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पर 21,000 के फोन में माइक्रो USB पोर्ट्स देखने को मिलता है जो आज की डेट में टाइप सी होना जरूरी था। दूसरी कमी की बात करूं तो इस फोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। तीसरी कमी की बात करूं तो ये है कैमरा को लेके, यहाँ पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता और ना ही आपको EIS का सपोर्ट मिलता है। अब घुमा फिरा के बात यहीं आ जाती है, क्या ये फोन 21,000 के प्राइस पॉइंट पे लेना चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको इस फोन की जो कमियां बताई हैं उससे आपको अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप इस फोन के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आप Xiaomi Mi 8SE, Nokia X6, Lenovo Z5 के लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि ये फोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं अगस्त के एंड में। तो ये था कंप्लीट हिसाब किताब इस फोन का। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियन बताइए, ये फोन 21,000 में आपको कैसा लगा और ये फोन Xiaomi Mi 8SE को कंपटीशन दे सकता है या नहीं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।